अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे बेबी बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने व्हाइट और रेड का पीसेस लिया है। ये हमने 3 इंच लंबाई, 3 इंच चौड़ाई लिया है। हमने 8-8 पीस लिया है ये दोनों। रेड भी हमने 8 पीस लिया है, व्हाइट भी हमने 8 पीस लिया है। देखिए, इस तरीके से हम पीसेस को रख लेंगे और ये कॉर्नर से लेकर हम पूरे पीस को कट कर लेंगे। तो हमारा रेड वाला 8 पीस है, उसको भी हम कट कर लेंगे, और हमारा व्हाइट वाला 8 पीस है, उसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसी तरीके से हमने कटिंग कर दिया कॉर्नर से लेकर कॉर्नर तक। तो देखिए इस तरीके से हम एक पीस रेड लेंगे और एक पीस हम ये व्हाइट लेंगे। अच्छे से आपस में मिलाते हुए पूरे पीसेस को ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरीके से सेम हम रखेंगे, एक पीस रेड और एक पीस व्हाइट रख कर पूरे पीसेस को अच्छे तरीके से हम बराबर कर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई कर लिया है। अब एक एक कर हम कट कर देंगे पीसेस को। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। जितना भी हमारे पास पीसेस है, पूरे पीसेस को इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने पूरे पीस को ले लेना है और फिर कटिंग कर लेना है उसको। तो देखिए, इस तरीके से हम पीसेस मिलाते हुए आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया है। और रेड वाला रेड के साइड रखेंगे और व्हाइट वाला व्हाइट के साइड रखकर अच्छे तरीके से हम बराबर कर सिलाई कर लेंगे। देखिए, एक पीस हमने सिलाई कर लिया, ये दूसरा पीसेस भी दो दो हम कर इस तरीके से व्हाइट वाला व्हाइट के साइड और रेड वाला रेड के साइड अच्छे तरीके से बराबर कर सिलाई कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से 4 पीस चाहिए। तो देखिए, हमने 2 कर लिया है, 2 और कर लेंगे। ये देखिए, सेम इसी तरीके से हम करेंगे। एक हम देखिए इस तरीके आपस में मिलाते हुए रेड को रेड के ही साइड कर ये सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से पीसेस को ज्वाइंट कर दिया है और ये देखिए इस तरीके से हमारा आया है। तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे और देखिए आपस में व्हाइट को व्हाइट के साइड रख कर हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया। तो हमारा एक पट्टी हो गया, मतलब तैयार हो गया। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से ये वाले पीसेस को भी हम करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पट्टी तैयार हो गया। तो हमें 4 की ज़रूरत है। तो हमने 2 इस एक ही डिज़ाइन का किया है और 2 हम एक ही डिज़ाइन के करेंगे। तो ये देखिए, हमारा इस तरीके से हो गया है एक डिज़ाइन का। ये देखिए, 1 और ये 2 सेम हमें इस तरीके से कर लेना है 2 पीसेस को। और इस तरीके से हम ये वाला पीस जो हमारा है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से हम कर बराबर कर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सेम रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो हमने देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया। ये वाला जो हमारा पीसेस था, हम उसको इस तरीके से करें हैं। तो देखिए, ये वाला जो हमने पीसेस को लिया था, हमने ये दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है। तो देखिए, इस तरीके से हम अच्छे तरीके से बराबर कर इसके ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये वाला जो हमारा पीसेस है, सेम हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने ये वाले पीस को सिलाई कर लिया और दूसरे पीस को हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए, ये इस तरीके से हम रखेंगे अच्छे तरीके से बराबर कर और इस साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। तो हमें इसी तरीके से एक पीस और चाहिए। तो हमें 2 पट्टी इस तरीके से चाहिए और 2 पट्टी हमने जो अगले बताया था उस तरीके से। तो हमने एक कर लिया था और पहले से किया था सिलाई, और ये दूसरा हमने आप लोग को दिखाया कि इसी तरीके से चाहिए। तो 2 हमें एक सा इस एक तरीके से चाहिए और 2 हमें एक तरीके से चाहिए। तो देखिए, हमने सिलाई कर लिया। आप एक एक पट्टी को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम आपस में अच्छे तरीके से बराबर करके सिलाई करेंगे। जो हमारा सिलाई है ना, सिलाई पर ही रहे। इससे क्या होगा कि हमारी जो सिलाई का है तो फिनिशिंग अच्छे तरीके से रहेगा। हम हर वीडियो में आप लोग को यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप सिलाई पर ही रहे। तो हमारे पास बहुत लोग का मतलब डिज़ाइन बनाने का फ़ोटो आता है बेड शीट का कि देखिए अच्छा है मैम या नहीं। तो हम आप लोग को मतलब अच्छा रहता है बहुत लोग का, तो किसी का अच्छे तरीके से बराबर से नहीं रहता है। तो हम उसी लिए बता देते हैं आप लोग को कि जो सिलाई पर आप लोग बनाएंगे तो उसी तरीके से हमारा जो बेड शीट बनेगा तो फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ये वाले पट्टी को भी हम इसी तरीके से सेम रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया और ये देखिए, ये वाला पट्टी को भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम आराम से सिलाई करेंगे, सिलाई करते हुए जल्दबाजी नहीं करेंगे। आई होप आप लोग को डिज़ाइन जो बनाकर बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में कुछ भी ना आए तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं मैसेज पर। तो देखिए, इस तरीके से हमें ये वाले पीसेस को दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है बीच से। देखिए, इस तरीके से।
तो देखिए इस तरीके से हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे, अच्छे तरीके से बराबर कवर कर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से हमारा जो डिजाइन है तो बनकर आया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साथ में हम कट कर देंगे। अगर आप लोग पूरा बेड शीट बनाना चाहते हो तो इसी तरीके आप रेट का पट्टी लगाइएगा। तो रेट का पट्टी आप 2 इंच या 2.5 इंच की चौड़ाई पर रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए आई होप आप लोग को समझ में आएगा और आया होगा सिलने का तरीका हमारे और बताने का तरीका, और डिजाइन भी आप लोग को पसंद आया होगा। देखिए इस तरीके से हमने आप लोग को बनाकर बताया है। आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा। हमने आप लोग को बनाकर बताया है इस तरीके से बनाया। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिजाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।